ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पूरी पार्टी प्रबुल्लित और उत्साहित नजर आ रही है। वल्लभ नगर और धरियावद सीटों पर कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद अब माना जा रहा है कि प्रदेश में होने वाले गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों में सीएम अशोक गहलोत को फुल फ्री हैंड मिलना तय है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों से पायलट गुट भी उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी बीच खबर यह है कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों का पूरा खाका सीएम अशोक गहलोत ने तैयार कर लिया और मुख्यमंत्री गहलोत 10 नवंबर के बाद दिल्ली जा सकते हैं, जहां प्रस्तावित पुनर्गठन और नियुक्तियों पर आलाकमान की मुहर लग जाएगी। राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस आलाकमान की कोशिश रहेगी कि सीएम गहलोत और पायलट कैंप में पावर बैलेंस बनाया जाए, ताकि अगले चुनाव में एकजुटता दिखाते हुए उतरा जाए और दोनों के बीच जारी सियासी जंग को भी विराम लगे, जिससे इसका फायदा साल 2023 के विधानसभा और 2024 के आम चुनाव में पार्टी को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। आलाकमान के इस रुख से माना जा रहा है कि पायलट कैंप की झोली भरना तय है, लेकिन इसमें हम आपको फिर याद दिला दे कि होगा वही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे। सियासी जानकारों की माने तो उपचुनाव के बाद अब ऐसा कोई वाजिब कारण नहीं बनता है कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों को रोका जाए। इसलिए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब शीघ्र ही अपने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ ही सियासी नियुक्तियां भी करने वाले हैं। बस देरी है तो सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे भर की। सियासी सूत्रों का कहना है कि 10 नवंबर के बाद सीएम अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे और अगले सप्ताह ही मंत्रिमंडल विस्तार भी संभव है, यानी अब इसे ज्यादा दिन नहीं टालेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वल्लभ नगर और धरियावद की प्रचंड जीत के बाद यह समय सीएम अशोक गहलोत के लिए आलाकमान से फ्री हैंड लेने का सबसे उपयुक्त समय है। वहीं अब ना तो कोरोना जैसी कोई विकराल समस्या है और ना ही आने वाले समय में कोई बड़ा चुनाव है। इसके साथ ही राजस्थान में विपक्ष भी पूरी तरह पस्त थे। वहीं सरकार के दो मंत्रियों को AICC द्वारा जिम्मेदारी दिए जाने के बाद संभावनाएं और बढ़ गई है कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। जानकारों की माने तो विधानसभा उपचुनाव के परिणामों से पहले ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर महामंथन हो चुका है। 27 अक्टूबर की रात को कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत इस पर लंबी मंत्रणा कर चुके हैं, यानी मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर होमवर्क पूरा है और अब सीएम अशोक गहलोत कभी भी दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से इस पर मुहर लगवा लेंगे। वहीं सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन से पहले इसी महीने राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। आपको बता दें, राजस्थान में कुल 200 विधायक है, इसमें से 30 को मंत्री बनाया जा सकता है। अभी गहलोत कैबिनेट में उनके सहित 21 मंत्री हैं, जिनमें से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को गुजरात और पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री भी है और PCC चीफ का ओहदा भी संभाले हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ मंत्रियों का इस्तीफा लेकर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने की तैयारी में हैं। जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल पुनर्गठन का पूरा खाका तैयार है। मंत्रिमंडल में करीब 12 से 15 नए मंत्री चुनना तय माना जा रहा है। इसमें गहलोत पायलट कैंप की पावर शेयरिंग तो होगी ही, इसके साथ ही दलित, SC ST, माइनॉरिटी, जाट, ब्राह्मण पर भी फोकस होगा। पहली बार विधायक बने माननीयों को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। साथ ही पहली बार के विधायक और पहले सांसद रहे MLA को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं दोनों ही कैंप के विधायकों में से युवाओं को संसदीय सचिव भी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सीएम गहलोत की सरकार बचाने वाले निर्दलीय विधायकों और BSP से कांग्रेस में आए विधायकों में से मंत्री बनाए जाएंगे। इनमें संयम लोढ़ा, महादेव सिंह खंडेला, बाबूलाल नागर और राजेंद्र गुड़ा की लॉटरी लगना तय मानी जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर माने जाते हैं। दिग्गज सियासी जानकारों का मानना है कि अभी पूरे 30 मंत्री बनाए जाने की संभावना नहीं है। सीएम गहलोत 2 से 3 मंत्रियों की जगह खाली रखेंगे, जिससे कभी भी असंतोष होने की स्थिति मंत्रिमंडल में शामिल करने का रास्ता खुला रह सके। अब बात रही सचिन पायलट कैंप को पावर शेयरिंग की, तो सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट कैंप को
समायोजित करने की पूरी योजना बना चुके हैं। पायलट कैंप को पूरा सम्मान दिए जाने की तैयारी है। साथ ही पायलट कैंप की अन्य मांगों पर भी काम जारी है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों ही इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि इस बार 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा वाला ट्रेंड तोड़ना है। सीएम तो यहां तक भी कह चुके हैं कि सीएम कोई भी बने लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बननी चाहिए। लेकिन इन सब संभावनाओं के बीच ये भी तय है कि होगा तो वही जो सीएम गहलोत चाहेंगे। ये बात हमने पहले भी बताई थी कि जिस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।